आप बस ये चीज देखना, जो अकड़ होती है ना, जो पेड़ झुक नहीं सकता ना वो टूटता है। जितने फॉलोवर हो ना इसके भाई, तुम 700-800 के जितने हैं, तुम प्लान कर लो ट्रिप, जितने मन करे ना, जितने मन करे, जितना तुम्हारा जी करे, जितना तुम्हारा ब्योत हो, जितना एक एक ही घर में जान पहचान हो, ले आना। भास्कर की याद आता सीधा ठोक के बात करने की। भाई राजवीर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला ना, मैं राजपूत का हाँ भाई, इंडिया की हैवीएस्ट बेंच प्रेस मेरी है और पहला ही इंडियन मैं ही हूँ। अरे ओए, ये जोन सा भी है जो गाली दे रहा है, भाई है वो मेरा अपना। कि ये कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है, ध्यान रखना इस चीज का। मैं जो भी एक एक चीज बोलूंगा ना, मैं वो करूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को एक महीना लगे चाहे एक साल लगे। और सीधी सी सिंपल सी चीज है, संडे को हम देहरादून आ रहे हैं, आपके जितने भाई बंधु हो, यारे प्यारे हो, सीधे देहरादून की चौकी में आके बात कर लेना। जी दे, एक बात बता दूं भाई, ये जितने भी बच्चे हो तुम्हारे सामने आ गए ना, तुम्हारा मुंह तो निकल जा रहा, मेरे को वीडियो में घुस के मारेगा भाई, तू मार ले, आजा आजा। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ बोली गई थी, जो 5 मिनट का काम था प्रूफ दिखाने का, उसके लिए 2 दिन दिए गए थे। देने वाला मैं कोई होता नहीं हूँ, तभी मैं राजवीर भाई साहब को साथ में लाया था, कि उनके ही कोई बड़े भाई बोले ये चीज़। तो देखो, उस चीज़ का भी ना मान रखा गया ना आदर रखा गया, कि आपके समाज के ही एक भाई बोलता है कि दिखाने में कौन सा कोई छोटा हो जाएगा, दिखा दो। अभी भी बस अकड़ दिखाई जा रही है और गर्मी दिखाई जा रही है, वेलेंट गुड है। तो अब मैं किसी को ना तो लाइव में लाऊंगा, ना किसी को बोलूंगा कि बीच में आके बात करा लो। आप एक तरफ बोल रहे हो कि इस चीज़ को शॉर्ट करूंगा मैं, इस चीज़ को एनर्जी नहीं दूंगा, और एक तरफ से आप जानबूझ के उस चीज़ को बढ़ा रहे हो, वो चीज़ ना दिखा के। ऑब्वियसली बात है, अगर 100 बंदे भी होंगे तो 99 यही बोलेंगे कि दिखा दुखा के ख़त्म करो ना। अगर आप इतनी वेल रिस्पेक्टेड कम्युनिटी से हो तो दिखाने में शर्म मेरे को लगता नहीं है कि कुछ होनी चाहिए। किसी भी बिरादरी से होते शर्म नहीं होती, पर जिस बिरादरी से हो उसका कितना नाम है तो बहुत चौड़े में दिखाते हैं। उसके ऊपर अब तक YouTube वीडियोस बन जाती हैं कि मेरी रक्त में इनका, मेरे नसों में इनका खून दौड़ता है, जो कि आपने आज तक नहीं करा। लाइव में आपने एक बार बस गलती से मुंह से आपके निकल गया मैं राजपूत हूं। मैंने कभी भी आपकी किसी रील में, YouTube वीडियो में कभी आपको बोलते नहीं देखा मैं राजपूत हूं। हो सकता है बोला हो, मैं आपको इतना फॉलो नहीं करता। तो देखो, एक बहुत छोटी सी चीज थी, आपने ये चीज स्टार्ट करी थी, आप किसी कम्युनिटी को बीच में लाए, आपने किसी कम्युनिटी के 5-6 पेजों को टैग करा। तो प्लीज ऑन अ वेरी डिसेंट नोट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर एवरीथिंग। तो प्लीज सामने आओ, और खैर फेक डॉक्यूमेंट बनवा नहीं पाए होगे अब तक या जो भी है, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप नहीं दिखा रहे, तो उससे बड़ी मूर्खता मेरे को लगता नहीं है कि कुछ हो सकती है, क्योंकि आप इश्यूज क्रिएट कर रहे हो। हम इश्यूज नहीं कर रहे, इश्यूज आपने स्टार्ट करे, कंट्रोवर्सी आपने स्टार्ट करी, अरेन के लाइव में आप आए, स्टार्टिंग में आपने सारी बसड़ करी। उसके बाद ब्लेम गेम मत खेलो ये बच्चों को पागल बना के, कि अब ऑडियंस लेने के लिए कि पावर लिफ्टिंग मेरे को कोई मतलब ही नहीं भाई। कृष्णा वाधवा, अता पता नहीं चलेगा आपका, ये जो बीच में हीरो बन रहे हो। मैं कमेंट सेक्शन इसलिए ऑफ नहीं करता कि अगर कोई देख रहा है तो उसका जो मन करे वो टाइप कर सकता है, मैं ट्रिगर नहीं होता छोटी छोटी चीजों से। तो भाई इतनी छोटी सी चीज है, आपने बहुत चौड़े में एक चीज बोली है, तो उसको प्लीज प्रूव कर दो। और सीधी सी सिंपल सी चीज है, संडे को हम देहरादून आ रहे हैं, आपके जितने भाई बंधु हो, यारे प्यारे हो, सीधे देहरादून की चौकी में आके बात कर लेना। बहुत मर्द बनने का शौक होता है, बहुत अल्फा बनने का शौक होता है, और कुछ लोग बोल रहे थे ना 1-on-1, ये जो भी चीजें हो रही हैं उसमें तो इंसान बच जाएगा, अगर गलती से 1-on-1 आ गया ना, तो सामने वाले का अगर रिटर्न साइन करवा दोगे कि हाँ
किसी एक की भी दुर्गति होती है तो मैं मंजूर है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप 1-on-1 38 बंदे बोल रहे हो, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, बंद कमरे में आ जाओ और फिर दिखाओ कितने मर्द हो। घोड़ा भी बनाऊंगा और कुतिया भी बनाऊंगा, ध्यान रखियो इस चीज का। तो संडे को भाई हम आपकी चौकी में आ रहे हैं, आपके कोई बड़े भाई हो, बुजुर्ग हो, जान पहचान के हो, आपके एरिया में आ रहे हैं। 500 लड़के ले आना, 1000 लड़के ले आना, जितने ले आना, ठीक है। संडे को तैयार रहना, झारखंड और पुणे मत भागना। मेरे हिसाब से शायद मैंने सॉर्ट कर दी ये चीजें, और आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, मतलब लगा सकते हैं, हाथ लग सकता है, मतलब हो सकता है। तो भाई प्लीज, आप अब प्यार से नहीं माने, ना आपने हमारी शर्म करी, ना रूबल भाई साहब की करी, ना राजवीर भाई साहब की करी। और एक बहुत छोटी सी चीज और है, आपने तो लीगल चीजों की बस धमकी दी थी, मैं आपको दिखाता हूं लीगल केस कैसे होते हैं। तो अब दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई झगड़े करा के दंगे कराने की साजिश रचने के चक्कर में मैं आपको दिखाता हूं केस कैसे होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, मैं जो भी एक एक चीज बोलूंगा ना, मैं वो करूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, अगर मैंने कोई जुबान दी है तो वो होगी। तो भलाई इसी में है, अभी भी मान जाओ और अकड़ एक तरफ कर दो, थोड़ा बहुत आपके पास कुछ बचा हुआ है उसको संभाल लो, वरना वो भी हाथ से चला जाएगा। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे पैसे छापने के लिए नहीं हूं भाई, ना मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप का फर्क पड़ा आज तक, ना कुछ इधर उधर का। मैं अगर चूतियापंती भी करता हूं ना, और मेरे से कोई गलतियां भी होती है, मैं खुले में बोलता हूं, मैं दूध का धुला नहीं हूं। तो आपने साइन करने पड़ेंगे, आपने हमारी कम्युनिटी के बारे में गलत बोला है। और तू अगर बोलता है ना कि तूने मेरे को भी बोला है, खाली मेरे को बोला है, तूने अपने दिमाग में कुछ सोच के बोला है, तो तेरे दिमाग में जो तूने सोचा है, ये फोन है, मैंने मेरे दिमाग में सोच लिया, फोन तो दुनिया के बोले कि फोन है, नहीं है ना। तो भाई प्लीज क्लियर कर लो संडे से पहले, वरना इस फिटनेस कम्युनिटी में एक ऐसी चीज हो जाएगी जो ना आज से पहले कभी हुई है, ना आने वाले टाइम में होगी। और एक लगे हाथ चीज और बता देता हूं, अगर कुछ लोगों को लगता हो ना ये स्क्रिप्टेड चीज है, कि ये कॉन्ट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है, तो तसल्ली से कभी सोचना, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी ऐसी होती है ना कि दोनों इंसानों को उस चीज से फायदा हो। इस भाई साहब को सिर्फ नुकसान हुआ है, फायदा अगर देखा जाए इनके हिसाब से और बाकी सब नॉर्मल जनता के हिसाब से मेरे को हुआ है, पर मैंने उस फायदे के लिए ये चीजें नहीं करी। उसकी सोशल मीडिया पे इज्जत खत्म हो गई, वो बेचारा डर डर में जी रहा है, उसके अभी स्पॉन्सर थोड़े दिन में गायब होने वाले हैं। तो कॉन्ट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड होने का कोई पॉइंट ही नहीं है मेरे भाई, तो ये चीजें गलती से भी मत सोचो कि ये स्क्रिप्टेड है कुछ या सीन है। स्क्रिप्ट बनानी होती तो इसके साथ बनाते। तो अब आप सीधे चौकी में मिलना, चौकी में अपनी जान पहचान निकलवाओ अपने यार दोस्तों की, कि कौन से इंचार्ज हैं, हम आए तो हमें धर लें। और प्लीज प्यार से मान जाओ भाई, प्लीज प्यार से मान जाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं खराब चीजें नहीं करना चाहता, सच में नहीं करना चाहता। बहुत अच्छे से शांति बना के रखो, फिर बाद में ये मत बोलना कि ये पापी है। मुझे नहीं पता भाई देहरादून में कौन सी चौकी है, जोन सी में कहेगा हम उसमें आ जाएंगे। हाँ भाई, इंडियन स्ट्रॉन्ग मैन तू बनाएगा अगला नंबर मेरा, ठीक है भाई। ऐसे भाइयों का क्या फायदा जो ऐसी फालतू बातें करें। मैं ना ले रहा भाई किसी को भी लाइव, दोनों भाई हैं छोटे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा उनके बीच में भी सॉर्ट आउट। तुम लोग जात पात को बनाना बंद करो, पब्लिक लव एंटरटेनमेंट साले। अगर मैं बीमार बैठा हूँ अब तू मेरे से एंटरटेनमेंट करेगा? कोई किसी को उंगली नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग गुरदीप सिंह पाजी, गुड मॉर्निंग तो नहीं पाजी, अभी गुड नाइट ही हो रही है, पर आपके लिए गुड मॉर्निंग भी ठीक है, आपने कह दिया तो गुड मॉर्निंग है। भाईचारा बना के रखो भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, और जात पात को तो बीच में घुसेड़ने की जरूरत है ही नहीं। जितने भी आके मेरे पे कमेंट करते हैं ना उल्टे सीधे,
एक बात बता दूं भाई, ये जितने भी बच्चे हो तुम्हारे सामने आ गए ना, तुम्हारा मुंह तो निकल जाएगा। ये उल्टे सीधे कमेंट करके जो तुम्हें मजा आता है दो लोगों को लड़वाने में, ये चीजें खत्म कर दो। मेरा भाई कह रहा है मेरे को वीडियो में घुस के मारेगा। भाई तू मार ले, आ जा आ जा, हाँ घुस के दिखा तू वीडियो के अंदर, आ जा तू घुस वीडियो में, घुस पहले तू इधर आ, तो वीडियो में घुस जा तो मैं मार खा लूंगा, तू नहीं घुसा तेरे मैं मारूंगा। जो ये तो शर्म आई ना, भाई को पूछ लू एक बार कि ठीक है नहीं ठीक है, ऑपरेशन हुआ है तो वीडियो में मार ले। ओ भाई यहाँ पे किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, ना रजत दलाल को ना सिंगा को, दोनों भाई हैं, बोल दिया दोनों छोटे भाई हैं, ठीक है ना। जो इंडियन स्ट्रॉन्गमैन मेरे से चिढ़ता है बेंच कैसे मारो। चलो ये सब कंट्रोवर्सी को छोड़ो, कमबैक कब हो रहा है भाई? कमबैक होगा आज से, पंजाब से नहीं हो भाई, पंजाब से खेलता हूँ पर मैं, कमबैक होगा आज से 2-3 महीने बाद, क्योंकि रिकवरी होने में 2 से 3 महीने लगेंगे, तो 3 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू करूँगा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा भाई जीरो से वापस हीरो का सफ़र। अरे ओए ये जोन सा भी है जो गाली दे रहा है, भाई है वो मेरा अपना, गाली देने की जरूरत ना है किसी को भी। हाँ भाई है अपना इंडियन स्ट्रॉन्गमैन, भाई है अपना, कोई गाली नहीं देगा उसको, समझ गए भाई। बेंच को मिस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई मर थोड़ी गया, बेंच आएगा वापस, बेंच भी मारेगा। अभी तो फिजूल की ये बात है जो मेरी आईडी पे आके कमेंट कर देते हैं, जो ये सब ड्रामा चल रहा है भाई, ठीक है दो बंदों के बीच में प्रॉब्लम है, वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप लोगों को जात पात बनाने की जरूरत नहीं है इसको। हाँ भाई इंडिया की हैवीएस्ट बेंच प्रेस मेरी है, और पहला ही इंडियन मैं ही हूँ जिसने 300 किलो बेंच प्रेस मारी है। भाई राजवीर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना मैं राजपूत का सपोर्ट कर रहा ना जाट का, मेरे मैंने बोल दिया ना दोनों भाई हैं मेरे, जाट भी अपने भाई हैं राजपूत भी अपने भाई हैं, तो ये सब बातें मेरे आगे मत करो, यहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला उल्टा सीधा। उन दोनों की प्रॉब्लम है, वो अपने आप निपट लेंगे, तुम लोग ये ड्रामा बनाना बंद कर दो। एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ, अब कोई आगे मेरी आईडी में बच्चे लिख रहे हैं, आप इसको जानते हो आप उसको जानते हो, भाई मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों भाई हैं अपने, ठीक है ना। तो ये सब बातें मेरी आईडी पे करने की तो जरूरत ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं, ना कोई कंट्रोवर्सी मिलेगी। भास्कर की आदत है सीधा ठोक के बात करने की। मुकेश गहलोत से क्या रिलेशन है भाई? गुरुजी है मेरे, वो बताओ। अमन ओटी भैया पंजाब में है भाई। सिर्फ दो चीजों के लिए जो खुद ने गलती करी उसके लिए माफी मांगनी थी, जाट को झाट और दलाल को दल्ला बोलने के लिए। अब आप बस ये चीज देखना, जो अकड़ होती है ना, जो पेड़ झुक नहीं सकता ना वो टूटता है। और भगवान बचाए भाई, अब तेरे को भगवान बचाए। अब भगवान कौन बन के आएगा वो तू ढूंढ ले, 5 दिन है। बहुत सबर कर लिया यार, बहुत सबर कर लिया, इतना सबर नहीं होता। लगा रहा है सबको अपनी तरह कि इंस्टाग्राम पे सिंपथी ले लेगा। जितने फॉलोवर हो ना इसके भाई, तुम 700-800 के जितने हैं, तुम प्लान कर लो ट्रिप, जितने मन करे ना, जितने मन करे, जितना तुम्हारा जी करे, जितना तुम्हारा ब्यो, तो जितना एक एक की घर में जान पहचान हो ले आना। मेरी बिरादरी को मेरे को गलत बोलेगा तो मैं स्टैंड लूंगा, चाहे आखिरी सांस तक लूं। तू आप